और कांवड़ यात्रा रूट में नाम और पहचान बताने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है। लेकिन इस बीच इसे लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ये याचिका नाम लिखने और पहचान बताने के आदेश के समर्थन में डाली गई है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में नाम पहचान बताने का आदेश क्या जारी हुआ, पाकिस्तान में आग लग गई और वो रोता हुआ अमेरिका तक पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। भारत के हर मामले में टांग अड़ाने की पुरानी बीमारी से परेशान पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी हरकतों से इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के मुद्दे को लेकर रोता पाकिस्तान अमेरिका के पास चला गया और वहां अपनी पंचायत लगाने की कोशिश करने लगा। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में कांवड़ और नेम प्लेट पर सवाल पूछा और भारत को घेरने की कोशिश की। Indian media is reporting that in few states, the BJP government is forcing Muslim owners of restaurants to display their Muslim names at their eateries. But due to growing hate against Muslim, they fear it will bring more problems for them. What are your thoughts when you see such kind of action by any government? We have seen those reports. We have also seen the reports that the Indian Supreme Court on July 22nd issued an interim stay on the implementation of those rules, so they're not actually in effect now. Speaking generally, we are, as we always say, committed to promoting and respecting universal, promoting and protecting, I should say, universal respect for the right of freedom of religion and belief for all anywhere in the world. And we have engaged with our Indian counterparts on the importance of equal treatment for members of all religions. पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ी चालाकी से अपने सवाल में सिर्फ मुस्लिमों का जिक्र किया था और इस उम्मीद में था कि अमेरिका से भारत के खिलाफ कोई बयान आ जाएगा जिससे उसका प्रोपेगेंडा सफल हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उलट। अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और इस पर विवाद भी थमने लगा है। 50 वीडियोस विटनेस हैं, हरकतें तो आपकी सही है नहीं। आप एक मिसाल है कि आपने एक ढाबा खोला हुआ है, जय माता दी उस ढाबे का नाम रखा है, आप मुसलमान हैं तो आपने जय माता दी क्यों लिखा है, जबकि आपको बोला जाए कि जय श्री राम या जय भारत, भारत माता की जय या जय माता दी बोलें तो आप कहेंगे नहीं ये तो हमारे लिए अलाउड नहीं है इस्लाम में, तो आपने अपने रेस्टोरेंट का अपने ढाबे का नाम क्यों रखा है, रखा है तो फिर नीचे लिखें कि मोहम्मद आरिफ आजा क्या का ऑनर है इसका। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों का भी मानना है कि जब मुस्लिम त्योहारों के दौरान कड़ाई से उनके नियमों का पालन किया जाता है तो हिंदुओं के त्योहारों में इस तरह के आदेश से क्या परेशानी है। मतलब आप मुझे यहाँ पे यूरोप में आप कहेंगे कि इतने सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस पर इंडियन रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, महाराजा मैक्सिमम अगर इंप्लॉय किया तो बर्तन धोने के ऊपर, जब आप इम्प्लॉयमेंट तक नहीं देते नॉन मुस्लिम को अपने ढाबों में, अपने रेस्टोरेंटों में, अपने खाने की जगहों पे, तो आप इस चीज पे इतना तिल मिला क्यों रहे हैं। पवित्र सावन महीने में कांवड़ियों के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश में लगा रहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हिंदू हो या सिख या ईसाई या अहमद या मुस्लिम कोई सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में उन्मादी भीड़ बीच सड़क पर ईश निंदा के झूठे आरोपों पर लिंचिंग कर देती है और उस पाकिस्तानी मीडिया में भारत के खिलाफ नफरत ऐसी है कि वो जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।